सबको मेरा राधे राधे। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को हम वृंदावन के पावन धरती से कर रहे हैं। ये वही धरती है जहां पर 5200 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने बहुत सारी लीलाएं इस धरती पर रची और हम इस धरती पर आके आज बहुत सारे नई चीज़ों का रिसर्च करना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं, रीडिस्कवर करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत सारे नई इन्फॉर्मेशनें मिली। जो आपके पास में इन्फॉर्मेशन ब्लॉकेज है, वो आपको वो सारे भ्रम दूर हो जाएं। इस सिलसिले में हम लगातार इस कार्यक्रम में महापुरुषों को और बड़े संतों को, अच्छे कथाकारों को हम इस प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं और उनके साथ डिस्कशन करते हैं और नई चीज़, नई खोज करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ भागवत के प्रसिद्ध कथाकार परम श्रद्धे कीर्ति किशोरी जी जुड़ चुकी है। मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने बहुमूल्य समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आई आप। राधे राधे। आपका मेरी तरफ से बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दीदी, सबसे पहले तो मन में यही प्रश्न आ रहा है कि आप बहुत यंग है और इस यंग एज में आपने 100 से अधिक कथाएं अभी तक आप कर चुकी हैं जी। न सिर्फ मथुरा वृंदावन में बल्कि भारत के बहुत अलग अलग क्षेत्र में आपकी कथाएं हुई है श्रीमद् भागवत के ऊपर। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आप कैसे आप कथाकार बने, आपका प्रेरणा स्रोत्र कौन है और कैसे परिवार में आपका जन्म हुआ, आपके बारे में पहले दर्शकों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इसलिए आपसे पहले यही है कि आप इसका कुछ थोड़ी रोशनी डालिए। बहुत सुंदर प्रश्न किया है आज आपने। सबसे पहले किसी भी चर्चा को प्रारंभ करें, एक बार मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहूँगी ठाकुर जी का। बहुत बढ़िया। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को बास, वृंदावन को बास। बड़ा सुंदर भाव है ये, और वृंदावन की महिमा ही बड़ी अद्भुत है, बड़ी निराली है। आप यहाँ पधारे, यहाँ भ्रमण करके, यहाँ के क्षेत्र में यहाँ पर रहकर जाना होगा आपने भी कुछ। और पहले आप जानना चाहते हैं तो बताएं, मथुरा में जन्म हुआ है मेरा जी। ये भी मेरा सौभाग्य है, क्योंकि कहते हैं जब बहुत जन्मों के पुण्य हमारे ब्रज धाम है, ब्रज में जहाँ भगवान कृष्ण की लीला हुई हैं, भगवान की जन्मभूमि मथुरा, उसमें जन्म मिलना बहुत बड़ा स्वयं में यही एक उपलब्धि है और हम अपना पुण्य मानते हैं इसे। साथ ही वृंदावन का वास ये भी सौभाग्य है। हमारे प्रारंभ से ही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं पूज्य संत श्री कुंडल कृष्ण जी महाराज जी। तो जिन्होंने यहाँ नींव रखी इस स्थान की, इस स्थान का नाम मयूर निकुंज है और बहुत ही सुंदर ठाकुर श्री मयूर बिहारी यहाँ राधा माधव विराजे हैं, जिनके शरण में हम और आप अभी हैं जी। तो जीवन में कब कैसा मोड़ आए, किधर ठाकुर जी ने ले जाना है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भागवत कथाएं आज स्थान स्थान पर हो रही हैं, लोग सुनते हैं। प्रारंभ में ही भागवत में बताया कि कुछ है ठाकुर जी की प्रेरणा, कुछ ऐसा प्रभु के नाम है। सबसे पहले भागवत में आता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद भगवान का नाम है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद सीढ़ी होती है ना, सीढ़ियाँ जी, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है। सबसे ऊपर है ठाकुर जी, स्वयं ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, शक्ति स्वरूप कहें, नारायण कहें, साक्षात प्रभु हैं। सत्य, सत्य को कोई बांध नहीं सकता। सत्य चित आनंद, ये तीनों शब्दों से मिलाकर भगवान का नाम हुआ सच्चिदानंद। सबसे पहले सत्य, फिर चित और फिर आनंद। अब सत्य तक पहुंचना लगभग बहुत कठिन है हमारे आपके सभी के लिए। दूसरे उससे थोड़ा नीचे आए तो चित्त, हमारे हृदय में चित्त स्वरूप में ईश्वर विराजे, यहाँ तक पहुँचना भी थोड़ा मुश्किल होगा। नीचे से चलेंगे आनंद से। तो आज जीवन में मनुष्य, हर एक प्राणी आनंद की प्राप्ति करना चाहता है,
आनंद भी नहीं, आत्मीय आनंद। आनंद होता है एक बाहरी दिखावटी और एक होता है हृदय से, आत्मा से आनंद। जिसके जीवन में ये आनंद आ गया, फिर उसे कन्हैया को अपने प्रभु को प्राप्त करने में समय नहीं लगेगा। तो जीवन में आनंद के लिए मनुष्य भक्ति से जुड़ता है, और जब भक्ति में हम प्रवेश करते हैं, भक्ति मार्ग में, तो कन्हैया से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि इसी आनंद की खोज में ही तो हजारों लाखों सालों से मनुष्य परेशान है और भटकता फिर रहा है जी। और इसी आनंद की खोज में वो कभी ऋषि मुनियों के पास जाते थे, कभी बड़े संतों के पास जाते थे, कभी व्यासपीठ पर जो वक्ता बैठते थे उनके पास में इसी शांति की खोज में जाते थे पहले भी, और अभी भी वैसे ही जा रहे हैं। लेकिन जो आज के टाइम में जो वृंदावन, जैसे हम मथुरा वृंदावन की बात करें, ये ब्रजभूमि है जी। तो ऐसा अब कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आए, मान लीजिए दिल्ली से आए, जिसको पूरी फैसिलिटीज़ वहाँ मिल रही हो, एसी हो, फ्रिज हो, गाड़ियाँ हो, तो वो सब कुछ ऐशो आराम छोड़ के वृंदावन और मथुरा इसलिए आना चाहता है कि यहाँ मैं किसी के शरण में जाके भागवत, श्रीमद् भागवत की कथा सुनूँ, कोई अच्छे सुवचन सुनूं जिससे मेरे जीवन में शांति आ जाए जी। जब वो यहाँ आता है तो यहाँ तो दीदी वो ब्रज तो अब रहा नहीं, यहाँ तो यहाँ भी कमर्शलाइजेशन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, बड़े होटल बन गए, हर आश्रम में अब नई नई फैसिलिटीज लोग दे रहे हैं, एसी भी दे रहे हैं, सब दे, तो क्या होगा? ये तो अभी का टाइम है, आने वाले समय में तो और हालात बिगड़ते जाएंगे, लोगों का श्रद्धा कम होती जाएगी जी। आपने एक छोटी सी बात सुनी होगी, कई बार हम आम अपनी भाषा में कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जी। और थोड़ा सा खोकर यदि बहुत ज्यादा मिल रहा है, बहुत अधिक मिल रहा है, तो सौदा अच्छा है ना जी। जी, सत्य कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है कि कई बार जब जीवन जीते जीते मनुष्य थक जाता है बहुत, वही दिनचर्या, तो भाव आता है चलिए वृंदावन चलते हैं, दर्शन करेंगे थोड़ा समय शांति में, ये घर के झंझट सब छोड़कर थोड़ी देर ठाकुर जी के चरण में मगन हो जाए, बैठेंगे जी। और देखेंगे जब वो ब्रज में आता है तो यहाँ उसे कैसा रूप मिलता है। दोनों ही बातें हैं, जब हम कुछ छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर थोड़े समय के लिए प्रभु के चरणों में आकर बैठे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मन, यदि आप शरीर से तो आ गए हो और मन में अशांति वही भरा हुआ है, तो फिर जिस पात्र में पहले ही कोई सामग्री भरी है ऊपर से आप दूसरी वस्तु डालोगे तो भरेगी नहीं। पहले थोड़ा सा मन अपना, थोड़ा सा इसमें त्याग की भी भूमिका रहती है। हमें कुछ अपनी सुख सुविधाओं, आज मनुष्य बहुत आधीन हो गया है सुख सुविधाओं के, हमें सारी फैसिलिटी चाहिए, हम घर बार छोड़कर तो आए लेकिन मानसिकता वह नहीं बन पाती पूरी तरह से कि हाँ ब्रजरज में लोट लगाएंगे। कथा सुनकर मन तो जागृत होता है, एक बार हृदय आता है, लेकिन यहाँ आकर यदि पूरी तरह से उस रंग में नहीं रंगे हो, दर्शन का भाव लेकर हम आएँ, प्रणाम करें और कुछ सात्विकता जीवन में उतारें, कथा सुनी, कथा सुनकर के यदि हमने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाया तो फिर वो निरर्थक हो जाती है, फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहता। इसीलिए आवश्यक है कि आज का जो वृंदावन का रूप भी, सुख सुविधाएं हमें चाहिए, ठीक है वह भी हैं, लेकिन ठाकुर जी के चरणों से पहले जुड़ें, अपने मन के भाव को पवित्र बनाएं, तो आपको वही आनंद मिलेगा जो पूर्व रूप में, पूर्व समय में हमारे हृदय में आता था। आपका जन्म तो मथुरा के भूमि पे ही हुआ है जैसे आपने कहा है जी। तो आपने अपने इस जीवन में जी, क्या बदलाव देखा है ब्रज में? देखिए, एक तो परिवर्तन का नाम है, जीवन में परिवर्तन होता रहता है, समय गतिशील है, और जैसे जैसे इसमें एक बात ये भी है कि कलयुग, युग का भी प्रभाव है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है समय का प्रभाव है, आधुनिककरण भी जीवन में बहुत आज तरक्की पर है, लेकिन कुछ हम अपनी प्राचीन मान्यताओं को भी ना भूलें जिनमें सार है, उन्हें हम कहीं कहीं व्यक्ति रूढ़िवादिता में इतना सिकुड़ जाता है, मानसिकता इतनी संकीर्ण हो जाती है कि दुष्प्रभाव होते हैं फिर जीवन पर जी, जी। लेकिन उन रूढ़िवादिताओं को तोड़कर यदि आप वास्तव में आधुनिकीकरण से लाभ भी लें, लेकिन जो आपके संस्कार हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाए, ऐसा मेरा मानना है। और इसी से हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत हम देखते हैं। यहाँ आज वृंदावन में देखिए, स्थान स्थान पर बहुत बहुत सारे भवन और धर्मशालाएँ, गेस्ट हाउस, बहुत कुछ नवीनीकरण हो गया है, लेकिन जो मंदिरों की मान्यताएँ, प्राचीन मंदिर, आज 84 लाख जो अपनी
परिक्रमा लगाई जाती है, 84 कोस की परिक्रमा ब्रज की, उसका अपना ही प्रभाव है। आज भी लोग पैदल पदयात्रा और परिक्रमा, महापुरुष हैं हमारे, संत हैं, महाराज जी के साथ में लगाया करते हैं, उसका भी अपना ही प्रभाव है। देखिए, आपने बहुत ही सुंदर विचार हमारे को बताए कि ठाकुर जी में हमें आस्था रखना सबसे ज़रूरी है। बाकी अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही हो, हमारे हालात चेंज हो रहे हो, कमर्शलाइजेशन हो रहा हो, जो व्यक्ति भगवान जी के चरणों में अपना मन लगाए तो उनको ज़रूर शांति प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त होगी और वो ज़रूर एक नए रास्ते पर चलने की अग्रसर होंगे। दीदी, यहाँ पर भगवद गीता में 4 मार्ग कहे गए हैं जिससे एक व्यक्ति को शांति प्राप्त हो सकती है और परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। एक तो कर्म योग है जी, एक ज्ञान योग है, एक ध्यान योग है और एक भक्ति योग है। और हमने ऐसा सुना है कि कलयुग में भक्ति योग सबसे सरल है, जी जी, सबसे सरल है और भगवान श्री कृष्ण और राधा में जो आपस में प्रेम था वो भक्ति योग के आधार पर ही उनका प्रेम था। जी जी, गोपियों के साथ भी उनका जो प्रेम था, वो लीला करते थे, वो भी भक्ति योग की ही लीला थी। और जो ये ब्रज है, जो वृंदावन है, मथुरा है, ये भक्ति योग का ही यहाँ माहौल है जी। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को भक्ति योग के बारे में और जानकारी दीजिए, किस तरीके से भक्ति योग को आपके अंदर में वो जगा सकते हैं, अपने घर में, अपने माता के साथ, पिता के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, धर्मपत्नी के साथ, अपने हमसायों के साथ और अपने पूरे संसार के सभी व्यक्तियों के साथ में भक्ति योग का वो रस उसको उत्पन्न कर सकते कैसे हैं, अपने जीवन में लाया जाए। जी, जी बिल्कुल। सबसे पहले देखें कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं सहज ही, और हमारे ब्रजभाषा में कहते हैं कि भक्ति कर ली भैया, कोई ये गुड़ का पुआ नहीं है जो लिया और पा लिया। अच्छा। सबसे सरल भक्ति है और सबसे दुस्तर, सबसे कठिन भक्ति है। अच्छा, दोनों है, दोनों ही भाव है कि भक्ति आप प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले कुछ, जैसे मैंने कहा, आनंद जीवन में आना चाहिए, विश्वास। भक्ति से बंधी गोपियाँ, भक्ति से बंधी राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति का दर्शन है, बहुत सुंदर। तो जब भी हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो सबसे पहले हम 4 अवस्थाएं पाते हैं, जो जैसे आपने गीता का आध्यात्म उठाया, उसी तरह से भागवत में भी माध्यम दिए कि नाम, रूप, लीला और धाम, इन्हीं की 4 अवस्थाएं बताई। सबसे पहले नाम, रूप, लीला और धाम, धाम 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 जी जी। सबसे पहले हमारे हृदय में नाम हो जी, सबसे पहले मन में नाम हो। वो कहाँ से मिलेगा, कैसे आएगा? जन्म लिया मनुष्य ने, बड़ा हुआ, यौवन आ गई अवस्था, जीवन घर गृहस्थी में उलझा, वृद्धावस्था आ गई, नाम कहाँ से कैसे मिलेगा? नाम क्या है? सबसे पहले हमें नाम प्राप्त करना है, भगवान का नाम। वो गुणकारी और असरकारी भी तब होता है जब वो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त हो। तो प्रथम जीवन में गुरु अवश्य बनाएं, गुरुदेव से नाम ग्रहण करें, जिनके प्रति हमारे मन में आस्था भाव जागृत है। कोई भगवान राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी को मानते हैं, शिव को मानते हैं, जिन प्रभु से आपका हृदय जुड़ता है, उन प्रभु का नाम लीजिए। और जब हम नाम को अपने जीवन में उतारते हैं, नाम हम अपने हृदय में उतारते हैं, उसके बाद में स्वतः ही भगवान की लीला का दर्शन और भाव बन जाता है मन में। नाम के बाद भगवान का दर्शन, नाम, रूप, वो प्रभु कैसे हैं, उनका रूप स्वरूप आप देखिए, कथा में सुनते हैं कई बार भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन वर्णन किया जाता है, कैसे भगवान हैं। नाम, रूप, लीला, भगवान की लीलाओं को श्रवण करें, कथा श्रवण करें। और धाम, जब हम इन भक्ति के इन अवस्थाओं में उतरते हैं, नाम भगवान का लेते हैं, भगवान के रूप स्वरूप का दर्शन, मंदिर नित्य जाकर अपना नियम करते हैं, साधन करते हैं, फिर भगवान की लीला का हम श्रवण करते हैं, तो फिर स्वतः ही भगवान अपने धाम में हमें प्रवेश दिला देते हैं और भगवान के निज धाम में, मथुरा वृंदावन में हमारी उपस्थिति हो जाती है और भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति करने के लिए विश्वास भी दृढ़ होना चाहिए हृदय में। यदि आपके मन में विश्वास है, कन्हैया हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं,
कृष्ण तुम हमारे हो, हम ये कहना चाहते हैं कृष्ण तो सभी के हैं, या फिर हम ये कह रहे हैं कि कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ, हम तुम्हारे हैं, तो दोनों में से अच्छा कौन सा है? आप समर्पण भक्ति रखिए, समर्पण भाव रखिए हृदय में, मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, तुम्हारा हूँ, बस कृष्ण के हो जाइए, उनकी कृपा उनकी नज़र तो कभी ना कभी होनी है, हो ही जाएगी। यही विश्वास है जो गोपियों की भी, यथा ब्रज गोपिका नाम, जब भी कभी भगवान के प्रेम की भक्ति की चर्चा आती है तो सबसे पहले गोपियों का उदाहरण आता है, और राधा रानी जो तो आदि शक्ति है, भगवान की साक्षात शक्ति स्वरूपा है, साक्षात की भगवान की प्रिया हैं, तो उनका भी हम देखते हैं कि उनका भाव इतना श्रेष्ठ है। आज स्थान हम राधा कृष्ण कहते हैं, राधे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधे नहीं करते, कृष्ण राधे नहीं कहते नहीं। तो ऐसा भगवान की भक्ति का प्रभाव है, यदि ये हमारे जीवन में उतरे तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं, जीवन आनंद से भर जाएगा। जब आप स्वयं ही प्रसन्न होगे तो सारी जितनी भी कहते हैं ना नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारे साथ रहता है वो सब स्वतः ही दूर हो जाता है। आप प्रसन्न हैं, आत्मीय प्रसन्नता आपके भीतर है, आपके अंदर है, आपको सब कुछ अच्छा, आपके द्वारा फिर कोई कठोर व्यवहार नहीं होगा। और मेरा मानना यह है कि हमें कभी भी कोई ऐसा हम त्रुटि ना करें, हमारे द्वारा कभी किसी को कष्ट नहीं हो, ऐसा भाव आपके जीवन में आ गया कि आपने कभी किसी को दुख नहीं दिया है, आपसे किसी को दुख ना हो, आपसे किसी को कष्ट ना हो, ये भी एक भक्ति है कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना प्राप्त हो। यदि आप आध्यात्म देखें तो ये भी एक भक्ति है कि आप नित्य प्रति आप मंदिर जाते हैं, भगवान के चरणों में नमन करते हैं, लेकिन घर में आपका व्यवहार कैसा है माता पिता के साथ, घर में आपके बच्चे किस संस्कार में किस ओर जा रहे हैं, बालकों की व्यवहारिक भाषा कैसी है, क्योंकि बहुत जल्दी आधुनिकीकरण और अध्यात्म को मनुष्य छोड़ भी देता है। अध्यात्म लगता है बड़ा कठिन है, लेकिन सार समझे, उसके बिना हम जी नहीं सकते, अध्यात्म के बिना मनुष्य खड़ा नहीं रह सकता। तो ऐसी भक्ति करें, इस चीज़ को हम अपने जीवन में उतारें, हमारा व्यवहार अच्छा हो। और कई बार हम देखते हैं कि भाव जगत में आज के समय में कलयुग में भाव भक्ति चारों जो आपने योग बताए गीता के, उनमें भक्ति की प्रधानता ही इसीलिए है। और शास्त्रीय दर्शन करें यदि इसका, तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर सुविधा भागवत में आता है, प्रारंभ में ही राजा परीक्षित हुए जिन्होंने कथा सुनी है सुखदेव भगवान से, तो भक्ति महारानी जब वृंदावन आती हैं तो भक्ति ने नारद से कहा कि नारद ये परीक्षित ने कलयुग को समाप्त कर देना चाहिए था, कलयुग को मारा क्यों नहीं, कलयुग को अविनाश ही कर देते, आवश्यक नहीं था ये कलयुग क्यों आ गया। बोले क्यों कि कलयुग तो हमारे हृदय से नाम दूर कर देता है, यहाँ लोगों के विचार बदल जाते हैं, पाखंड बढ़ जाता है, अधर्म चारों ओर हो जाता है, तो ऐसा कलयुग तो नहीं रहता, क्यों बढ़ा। नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कली की जो विशेषता है जो गीता का सारे योग कहते हैं भक्ति योग क्यों बताया, इसीलिए कहा नारद जी ने कि कलयुग में एक बड़ी सुंदर सुविधा भगवान ने हमें दी कि पूर्व समय में जो सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, इन तीनों युगों में जो पिछले युग हैं, सतयुग में भगवान के बड़े बड़े अवतार हुए, त्रेता में भगवान का रामावतार हुआ, द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार, इन अवतारों के साथ भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के भक्त हुए, भगवान ने सबको दर्शन दिया जी। बहुत से ऋषि मुनि संत महात्मा हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में कंदराओं में बैठकर भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन उन्हें भगवान का दर्शन नहीं हो नहीं रहा दिया। क्यों, ऐसा क्यों? और कलयुग में बहुत भक्त ऐसे हुए जिन्होंने कि थोड़ी सी देर भगवान को पुकारा और भगवान को दर्शन हो गया, बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं। कारण कहा कि बोले भगवान ने सबसे अच्छी सुविधा कलयुग में एक दे देनी है कि हरेर नामई हरेर नामई हरेर नामेव केवलम कलौ नाश्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में एक गुण दिया कि और अन्य युगों में हम काया से कर्म करेंगे साधन भक्ति का, तब हमें भक्ति का पुण्य फल प्राप्त होगा, लेकिन कलयुग में हम मन से भी सोच लें, इसीलिए भक्ति की प्रधानता है कि कलयुग में आप मन से भी भक्ति कर लेंगे, भाव जगत में भी बैठे बैठे आप भक्ति कर लेंगे तो उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, ये कलयुग की भक्ति की। दीदी यहाँ पर एक मेरे मन में भी एक प्रश्न है और मेरे हमारे दर्शकों के मन में भी जरूर आ रहा होगा,
क्या रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में भक्ति योग नहीं था? था बहुत, वो प्रेम नहीं था जो राधा और कृष्ण में था? देखिए, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम, रुक्मिणी जी लक्ष्मी अवतार हैं, साक्षात भगवान की अर्धांगिनी हैं और भगवान का विवाह हुआ, अनंत प्रेम है, अगाध प्रेम है। लेकिन जो शास्त्रीय दर्शन हम जब भागवत का करते हैं और ग्रंथों का अवलोकन करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि जिस समय राधा रानी का जो आत्मीय प्रेम है, प्रेम की एक पराकाष्ठा भगवान ने एक बार लीला करी ये जानने के लिए कि किस कौन मुझसे अधिक प्रेम करता है, किसका प्रेम कितना है, कितना आत्मीय जुड़ाव है, कैसी भक्ति है। तो भगवान ने अचानक ही और अपना सिर पकड़ लिया कि आज तो बहुत पीड़ा हो रही है, जी जी जी, बड़ा असहनीय दर्द हो रहा है ठाकुर को, और भगवान साक्षात आज तो बड़े तड़प रहे हैं, बड़ी घबराई रुक्मिणी जी, क्या करें, सारी जितनी भी रानियां हैं ठाकुर जी की सब दौड़कर आती हैं, बोले आज तो प्रभु के पीड़ा हो रही है, भगवान को दैहिक कष्ट, ये लीला के लिए जो भगवान ने खेल किया यही जानने के लिए। तो बड़ा सुंदर प्रसंग आता है ये, तो कहा कि क्या किया जाएगा, कैसे ये कष्ट दूर होगा। तो नारद जी उसी समय ठाकुर जी के इशारे से, भगवान के चलते ही हैं, नारद जी आते हैं, तो कहा कि आज तो भगवान को कष्ट हो रहा है। भगवान ने नारद जी को इशारा किया, बोले नारद जी दो जरा अपना गुरु मंत्र। अब नारद जी ने देखा सब रानियों को, बोले कि प्रभु आपका कष्ट कैसे दूर होगा। सब रानियाँ कहने लगी, महाराज बताइए कैसे कष्ट दूर हो। तो बोले कि जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान से आत्मीय प्रेम करता हो, वो उसके चरणों की रज यदि मिल जाए और उस रज को ठाकुर जी के चरण मस्तक पर लेपन कर दिया जाए, अच्छा, तो ठाकुर जी का ये दर्द दूर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आप बताइए, रुक्मिणी जी से नारद कहने लगे, शीघ्र बताइए कि कौन भगवान का भक्त है, कौन भगवान के से आत्मीय रूप से जुड़ा है। तो विचार में डूब गई रुक्मिणी जी, सोचने लगी, अरे, बोले कि दीजिए, हो सकता है आपके चरणों की रज से असर हो जाए ठाकुर जी को। तो रुक्मिणी जी के हृदय में वहाँ थोड़ा सा एक मान आ गया, अरे अरे, बोले कि मैं अपने चरणों की रज, ये तो मेरे पति हैं, और भारतीय परंपरा जैसी हमारी कि पति का तो नाम लेना भी नहीं लेना चाहिए, तो मैं अपने चरणों की रज यदि इन्हें दे देती हूँ तो मैं पाप की भागिनी हो जाऊँगी, मुझे नरकों में जाना होगा, घोर यातना, ठाकुर स्वयं ईश्वर हैं और उन्हें मैं अपने चरणों की रज नहीं दे सकती। और रानियों की ओर देखते हैं नारद जी की, भाई कोई तो दे दीजिए। तो कहा क्या करें, अब ठाकुर जी अभिनय कर रहे थे कि बहुत पीड़ा हो रही है, नारद जल्दी करो, हमसे रहा नहीं जा रहा। नारद जी ने कहा, प्रभु क्या करें, बोले कोई तो भक्त होगा, जाओ मेरे ब्रज में चले जाओ, देखो हाँ कोई गोपी, कोई ग्वाला, कोई तो हो। दौड़ कर नारद ब्रज में आते हैं, और जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा कि नारद आ रहे हैं, दौड़े दौड़े तो पूछा नारद, सारी गोपियों ने घेर लिया, राधा रानी आती हैं और पूछा कि बताओ यमुना तट पर। नारद बोले जल्दी, अरे गोपियों क्या बताऊं, और प्रभु के आज तो बड़ा पीड़ा हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है, और कैसे दूर होगा, ऐसे दूर होगा भैया कि ऐसा है, जो भी भगवान के भक्त हैं, यदि तुम कन्हैया से जुड़ी हो, आत्मीय रूप से तुमने चिंतन किया है कन्हैया को पाने के लिए, तो चरण रज मिल जाएगी उसका लेपन करने से। जैसे ही सुनती हैं गोपियाँ, तो दौड़ कर जाती यमुना जी, जल भरती हैं अपने चरणों की रज धो धोकर और खूब पोटरी बांध कर, और दे दी, नारद जाओ लेकर जाओ, कहीं हमारे प्यारे को इतना कष्ट हो रहा है। बोले कि नारद ये तो लेकर जाओ, और यदि ये कम पड़ जाए तो और ले जाना, दोबारा आ जाना और दोबारा भी ले जाना। तो बार बार जाएं और रज में अपने चरणों को लगाएं और यमुना जी से धो धोकर चरणों का पूरा रज का वो पहाड़ बनाकर, और नारद को, नारद जी दौड़ करके आते हैं और भगवान के सम्मुख। जैसे ही रज डाली और भगवान ने मस्तक पर लगाया, तो भगवान को पुनः शांति हो गई। देख करके रुक्मिणी जी बड़े आश्चर्यचकित, नारद जी बड़े आश्चर्यचकित, भगवान आश्चर्यचकित। रुक्मिणी जी की ओर देखा तो नारद जी की ओर देखा, रुक्मिणी जी कहती, प्रभु ये कैसी लीला है। नारद जी ने समझा दिया, बोले अब तो समझ गई होंगी ना आप कैसी लीला है, कैसी लीला कि जहाँ थोड़ा सा मान आ जाए कि अरे ब्रजवासियों ने कहा हमें नर्क की यातना, या ये नर्क एक बार नहीं करोड़ों बार हमें नर्कों में जाना पड़े, तो भी हम अपने कन्हैया की रक्षा के लिए, प्रभु के कष्ट के निवारण के लिए तैयार हैं। मतलब निस्वार्थ प्रेम भाव से भक्ति है, इसीलिए राधा कृष्ण कहते हैं। दीदी, क्या ये सच है कि
भागवत में जो राधा का रोल था जी, वो सिर्फ उनकी उनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं था, राधा एग्जिस्ट नहीं करती थी, सिर्फ वो शक्ति थी भगवान श्री कृष्ण की। हाँ, ऐसा है कि भागवत में राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं दिया है। संत जन हमारे गुरुदेव और मनीषी जन इसका गान करते हैं कि हमारे भागवत के जो आचार्य हैं, प्रमुख आचार्य श्री शुकदेव भगवान जिन्होंने भागवत गाई है, उनके पूर्वजन्म की गाथा सुने, कथाएं बहुत विस्तृत हैं, तो वह राधा रानी उनके गुरु हैं, श्री शुकदेव भगवान की आदि शक्ति, और इतना अपार भाव है, इतनी दृढ़ निष्ठा है भगवान श्री शुकदेव की, वैकुंठ धाम में जिस समय भगवान ने विचार किया कि मैं धराधाम पर जाकर ये लीला करूँगा, सभी को आज्ञा दी कि तुम जाओ अपने अपने स्थान बनाओ ब्रज में जाकर, उसी समय भगवान का यहाँ एक लीला शुक हुआ है, शुकदेव जिसे खेलते हैं, जैसे क्रीड़ा शुक कहा जी, वह शुकदेव हुए हैं, वही बार बार राधा रानी के पास आते हैं और राधा रानी उन्हें सिखाती हैं, आई शुक कृष्ण कृष्ण ब्रूही, कृष्ण बोल कृष्ण कहे, वही शुक जब कृष्ण के पास आता है तो कृष्ण कहते हैं राधा राधा बोल, तो वही शुकदेव अवतार लिए, और जिस समय शुकदेव भगवान श्री राधा रानी का एक बार नाम लेते, एक बार उच्चारण भी करते, तो उनकी अनंत समाधि लग जाती थी, समाविष्ट हो जाते थे, इसीलिए राधा रानी का स्वरूप भागवत में अदृश्यात्मक रूप से रखा है, एक एक चरण में, एक एक क्षण, एक एक श्लोक के एक एक अक्षर में श्री राधे विराजी हैं, पर मुख्य रूप से उन्हें नहीं दर्शाया, इसीलिए कि भाव जगत की ये लीला है, और भाव में अधीन हो जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे श्री शुकदेव भगवान, ऐसा वर्णन जी। पूरा मुझे विश्वास है आप लोगों को एक नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, दीदी ने भक्ति योग पर काफ़ी अच्छी रोशनी डाली, राधा का जो कैरेक्टर था उसको भी दर्शाया, भगवान श्री कृष्ण की लीला भी इन्होंने आपके सामने रखी है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस दीदी के साथ में किसी नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे।